गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कल के टॉपिक में हम देख रहे थे कि जो सिल्क उत्पादन है हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो सिल्क उत्पादन था वो किस प्रकार से होता था, यानी कि हड़प्पावासी क्या विभिन्न प्रकार की जो सिल्क उत्पाद जो वस्तुएं थी क्या उनका उत्पादन करते थे, किस प्रकार से उत्पादन करते थे और ये उत्पादन की जो चीजें थी वो कहाँ कहाँ से इनके पास आती थी, उसी चीज को जानने का हम प्रयास कर रहे थे। अब कल का जो लास्ट टॉपिक हमने देखा कि उत्पादन के लिए कच्चा माल या उत्पादन केंद्रों की पहचान, कि उत्पादन जो केंद्र है उनकी पहचान कैसे की, तो मैंने एक चीज आपको बता दी थी बेटा, उत्पादन जो केंद्र थे उनकी पहचान करने का जरिया था कूड़ा करकट, कचरा, औजार, कच्चा माल, पिंड, ये कई ऐसी चीजें थी जिनसे ये पता लगाया जा सकता था कि जो हड़प्पा कालीन व्यक्ति जो सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार से उस जगह का पता लगाते थे। जैसे हमारे जो पुरातत्वविद थे जितने भी खोज करता थे उन्होंने उन सभी जगहों का पता लगाया जहां पर विशेष रूप से बहुत सी कई चीजें ऐसी थी जो उत्पादित की जाती थी या सिल्क उत्पादन किया जाता था, जैसे चाहे मनके हो, मृदभांड हो या अन्य कई ऐसी चीजें जिनसे पता लगता है कि उस समय में इन चीजों का प्रयोग किया जाता था, कच्चे माल या फिर कूड़ा करकट। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि कपड़े की कतरन अगर पड़ी हुई है, कटी हुई है, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कपड़े के बनाने का कारखाना हुआ करता होगा या फिर कपड़ा बनाने का कारखाना होगा, जिसका सबूत क्या है, वो कपड़े की कतरन। तो कहने का मतलब कच्चे उत्पादन के लिए कच्चे माल के जो केंद्र है उनका पता इस प्रकार से लगाया गया था। फिर अगला पॉइंट जो हम देखने का प्रयास कर रहे थे वो था माल प्राप्त करने संबंधी विधियां, कि जो माल प्राप्त करते हैं सिल्क उत्पादन के लिए जो माल हम प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की दो विधियां थी। एक विधि कौन सी थी, स्थानीय, और दूसरी बाहरी क्षेत्र। यानी कि माल प्राप्त करने की जो दो विधियां थी वो थी स्थानीय और बाहरी क्षेत्र। और स्थानीय का एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपको समझा दिया था कि कोई भी आप सिल्क उत्पादित कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें घर की घर में मिल जाती है, किसी भी चीज का आप निर्माण करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें घर की घर में मिल जाती है और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो सिल्क उत्पादन में दो चीजें आती थी, स्थानीय और बाहरी। स्थानीय का मैंने आपको उदाहरण बता दिया, अब स्थानीय को आप समझ लीजिए सिल्क उत्पादन में। जैसे मैं कोई चीज उत्पादित कर रहा हूं सिल्क उत्पादित, तो स्थानीय में हो गया मिट्टी, यानी कि स्थानीय में तो हो गया मिट्टी, यानी मिट्टी मुझे मेरे घर में या मेरे घर के आसपास मिल जाएगी, तो ये चीज तो क्या हो गई, स्थानीय। अब मुझे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बाहर से मंगानी है या बाहर से मेरे को उस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपके आ जाता है पत्थर, लकड़ी और धातु, पत्थर, लकड़ी, धातु। यानी कि शिल्प उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल की या पक्के माल की आवश्यकता होती है। अब वो माल जो है वो हमें दो प्रकार से मिलता है, एक तो स्थानीय रूप में और एक बाहरी क्षेत्रों से मंगाना पड़ता है। स्थानीय क्षेत्रों में हमें मिट्टी मिल गई, लेकिन क्या मिट्टी मिलने के बाद से ही क्या हम किसी चीज को बना सकते हैं? नहीं, उसमें हमें पत्थर की भी जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की भी जरूरत पड़ सकती है और धातु की जरूरत भी पड़ सकती है। तो सिल्क उत्पादन के लिए ये लोग क्या करते थे, मिट्टी तो स्थानीय हो गई और बाहरी क्षेत्रों से क्या क्या मंगाते थे, पत्थर, लकड़ी और
धातु। समझ में आ गया? समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखिए आप ये चीज मंगा ली, अब इसमें एक चीज और मिली, जब खुदाई की गई तो जब खुदाई की गई तो यहां पर बैलगाड़ी जो होती है, बैल बने हुए हैं, बैलगाड़ी का मिट्टी का खिलौना मिला है, यानी खुदाई के दौरान बैलगाड़ी और बैल की जो मूर्ति है मिट्टी की बनी हुई, वो खिलौने यहां पर मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उस समय जो यातायात का साधन होता था या जो आवागमन का जो एक साधन होता था वो क्या होता था? बैलगाड़ियां। क्यों? क्योंकि जब खुदाई की गई तो यहां पर बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, प्लस बैल और बैलगाड़ी जो उसके पीछे जो लगता है वो, इन दोनों का मिक्सअप मूर्तियां मिली है या मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि उस समय जो यातायात या आवागमन का जो साधन हुआ करता था मुख्य रूप से, वो क्या हुआ करता था? बैलगाड़ी हुआ करता था, या परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन क्या होता था? बैलगाड़ी। जैसे आप छोटा सा उदाहरण देखिए, आज के समय में किसी चीज को आप मिट्टी से बना दीजिए, आज के समय में दिखती हुई कोई भी चीज है उसको मिट्टी से बना दीजिए आप, उसको मिट्टी से बनाने के बाद में वो मिट्टी में दब गई या मकान के नीचे दब गई, चलो ठीक है, आज से फिर हजारों साल बाद में उस जगह की खुदाई करें जहां पर अपन रहते थे, और आपने मिट्टी से कोई चीज बना दी थी या धातु से कोई चीज बना दी, आज तो धातु है, जैसे आपने धातु से बना दिया मोबाइल, बना दिया लोहे के टुकड़े से या लोहे की चद्दर से मोबाइल नुमा कुछ बना दिया और वो दब गया, वो दब गया और हजारों साल बाद में उस जगह की खुदाई की जाए तो जब वो चीज मिलेगी तो उससे इस चीज का पता लग जाएगा कि इस प्रकार का कोई यंत्र होता था या इस प्रकार की कोई चीज होती थी, जिससे हो सकता है कि उस समय के लोग आपस में बातचीत करते होंगे इस यंत्र के द्वारा। तो वैसा ही हुआ है, खुदाई में कोई खिलौना मिला और उस खिलौनों से इस चीज का पता लग गया कि हाँ उस समय इन चीजों का प्रयोग होता था। जैसे बेल की मिली तो बेल की मूर्ति मिली, मैंने पहले बताया था आपको, बेल की मूर्ति मिलने का प्रतीक क्या हो गया कि उस समय जो खेती का कार्य होता था, कृषि का कार्य होता था, तो खेत की जुताई के लिए बेल का इस्तेमाल किया जाता था। फिर बैलगाड़ियों के खिलौने मिले हैं, जिससे पता लग गया कि बैलगाड़ी उस समय का एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन हुआ करता था और इसके द्वारा ही व्यक्ति जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करता था। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। यानी कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, यानी कि कच्चा माल या कोई भी सामग्री की शिल्प उत्पादन आप कर रहे हैं, शिल्प उत्पादन के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जो कुछ चीजें तो हमें स्थानीय मिल जाती है कि मेरे घर में, जैसे मैं घर में कोई चीज बना रहा हूं, अब कोई चीज बना रहा हूं तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो मेरे घर में ही है, अब मुझे जरूरत पड़ेगी बाहर से तो वो चीजें मैं बाहर से लाकर उस चीज का निर्माण कर दूंगा। तो माल प्राप्त करने संबंधी विधियां या नीतियां जो है वो दो प्रकार की है, एक तो स्थानीय और एक बाहरी क्षेत्रों से मंगाई जाने वाली वस्तुएं। तो स्थानीय का मैंने बता दिया, शिल्प उत्पादन में मिट्टी, और बाहर से मंगाई जाने वाली पत्थर, आपके लकड़ी और धातु। ठीक है, अगला पॉइंट आपके आ जाता है महाद्वीपीय तथा उसके भाग आगे से आने वाला माल, यानी कि ये तो लोकल हो गया स्थानीय, जैसे अपन किसी गांव में रहते हैं, अपने गांव में मेरा घर, मेरे घर में जो चीजें मिल गई ठीक है, जो चीज नहीं मिली तो मैं गांव की दुकान से या किसी अन्य व्यक्ति से मांग कर ले आऊंगा, ये चीज हो गई। उस समय विदेश देश तो होते ही नहीं थे, आसपास के क्षेत्र होते थे। ठीक है, तो अब उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि जो भी उपमहाद्वीप थे उस समय के, उसके वहां से आने वाला माल। अब देखिए, शिल्प उत्पादन के लिए या शिल्प उत्पादन माल उत्पादन करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, यानी कि हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा की बात कर रहे हैं,
तो सीधी सी बात यह है कि हड़प्पावासी सिल्क उत्पादन करने के लिए या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वो कई प्रकार के जो तरीके हैं वो अपनाते थे। अब उन तरीकों को हमने बांट रखा है, कैसे अलग अलग भागों में हम बांट के पढ़ेंगे उसको, कि जो हड़प्पावासी है वो सिल्क उत्पादन के कई तरीके अपनाते थे। जैसे भाई सिल्क उत्पादन मुझे करना है और मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो अलग अलग तरीके अपनाकर सिल्क उत्पादन करते थे। पहला देखिए आप, नंबर से समझ जाएंगे आप कि सिल्क उत्पादन को करने के लिए कौन कौन से वो तरीके अपनाते थे। ठीक है, बाहरी क्षेत्रों से कोई कच्चा माल मंगा लिया, वो चीज कैसे करते थे, तो ये क्या करते थे, जिस जगह जिस चीज की जरूरत होती थी वहां पर ये क्या करते थे, बस्तियां बसा देते थे। बस्तियां भाई, जैसे जिस जगह किसी चीज की जरूरत है वहां पर ये जो हड़प्पावासी है वो अपनी बस्तियां बसा देते थे। ठीक है, जैसे जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो भाई, जहां कच्चा माल यानी कि हड़प्पावासी क्या करते थे, सिल्क उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए, सीधी सी बात है पहले कच्चा माल चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे कि जहां पर इनको भारी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था ऐसी जगह पर जाकर वो क्या कर देते थे, अपनी बस्तियां बसा देते थे। और इन बस्तियों के उदाहरण में आपको लिखने जा रहा हूं, सबसे पहला उदाहरण आपके सोरतुगई। सोरतुगई कहां पर बेटा, अफगानिस्तान में। ठीक है, यानी कि पहला जो जगह है आपका यहां पर जो हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियां बसाई, सोरतुगई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, क्या मिला था, नीले रंग का लाजवर्द का पत्थर। ये देख लीजिए आप, यानी कि सोरतुगई में नीले रंग का लाजवर्द का पत्थर मिलता था, इसीलिए इन्होंने अपनी कच्ची बस्तियां कहां, बस्ती कहां बसा दी, सोरतुगई में। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। बड़ा आगे चले ना। यस सर। यानी कहने का मतलब यह है कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। सिल्क उत्पादन करना है, सिल्क उत्पादन के लिए चीजें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कच्चा माल लेने के लिए जगह जगह पर अपनी बस्तियां बसा दी, वहां से ये माल आने लग गया। तो सबसे पहली जो बस्ती थी सोरतुगई में इन्होंने बसा दी, और यहां पर क्या मिलता था इनको, नीले रंग का लाजवर्द का पत्थर। लाजवर्द से कुछ याद आ रहा है क्या आपको, 11th में मैंने आपको एक कहानी बताई थी राजा की, कि लाजवर्द का पत्थर महल बनाना था, लाजवर्द का पत्थर लेने के लिए जंगलों से साथ कितने पहाड़ कूद के चला गया था एक व्यक्ति। तो ये लाजवर्द का पत्थर वही है, नीले रंग का जो लाजवर्द का पत्थर है वो सोरतुगई से प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी बस्तियां वहां पर बसा दी। ठीक है, दूसरा नागेश्वर बालाकोट, क्या मिलता था यहां से, बड़ा नागेश्वर के बारे में, शंख से बनी वस्तुएं, शंख से बनी वस्तुएं। हाँ शाबाश, शंख यानी कि शंख से अगर कोई वस्तुओं को बनाना है तो हमें शंख की आवश्यकता होगी। तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया कि नागेश्वर और बालाकोट में अपनी बस्तियां बसा दी, ताकि इन्हें आसानी से क्या मिल जाए, शंख मिल जाए। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो नागेश्वर है और जो बालाकोट है वो समुद्र के किनारे पर है या पानी के मुहाने पर है, इसीलिए आसानी से इनको क्या मिल जाता था, शंख मिल जाता था। ठीक है, फिर तीसरा देख लीजिए बस्ती लोथल। लोथल कहाँ है,
पहला लोथल के बारे में बताया था, लोथल धोलावीरा गुजरात गुजरात ठीक है। तो लोथल, अब देखो लोथल में बस्ती बसाने के पीछे का रीजन क्या था, कार्निलियन, काफी पढ़ा है हमने पहले ही, कार्निलियन ठीक है, लाल रंग का मनका जो था, कार्निलियन और शेल खड़ी, कार्निलियन और शेल खड़ी का जो पत्थर था वो यहां पर लोथल से इनको मिल जाता था, इसीलिए इन्होंने लोथल में अपनी कच्ची बस्ती का निर्माण कर लिया ठीक है। अगला देखते हैं राजस्थान का खेतड़ी अंचल, राजस्थान का खेतड़ी अंचल याद रखेंगे, राजस्थान में स्थित जगह है खेतड़ी जो झुंझुनू जिले में है। क्या मिलता है यहां पर प्रचुर मात्रा में, क्या मिलता है आज भी यहां पर इस चीज का खनन होता है, क्या मिलता है, तांबा, शाबाश तांबा, राजस्थान का जो खेतड़ी अंचल है वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा मिलता है, तो यहां पर भी इन्होंने क्या कर लिया, तांबे के लिए अपनी जो बस्ती थी वो राजस्थान का जो खेतड़ी अंचल है वहां पर बना ली थी ठीक है। और यहां पर जो राजस्थान का खेतड़ी अंचल कह दो या जो भारत का दक्षिणी भाग है या दक्षिण भारत है, यानी कि राजस्थान का खेतड़ी अंचल और भारत का जो दक्षिणी भाग है यहां पर अपना इन जो क्षेत्र है ये दोनों क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अभियान चलाया हड़प्पा वासियों ने। अब देखो क्या अभियान चलाया मैं आपको बता दूंगा, दक्षिणी भारत किसके लिए, सोने के लिए, यानी दक्षिणी भारत में अभियान चलाया वो सोने के लिए, और राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में अगर अभियान चलाया वो किसके लिए, तांबे के लिए, यानी कि राजस्थान को खेतड़ी अंचल कह दो या दक्षिणी जो भारत है उसमें हड़प्पा वासियों ने अभियान चलाया तो राजस्थान से तांबा और दक्षिणी भारत से सोने के लिए अभियान चलाया। अभियान का चलाए का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, आज के समय में किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको उस प्रोडक्ट के गुण, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता को बताना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, हड़प्पा वासियों ने मार्केटिंग जैसे कार्य किया कि हड़प्पा में जो चीजें होती थी उनका मार्केटिंग बाहर जाके करने लग गए ये कि भाई हम इस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, हम ऐसी चीज बना रहे हैं, ये आपके ये काम आएगी, और वहां से उन चीजों को लाने के लिए कि मार्केटिंग ये करने लगे कि आप ये चीज ले लो और इसके बदले में हमें सोना दे दो या तांबा दे दो, तो ये मार्केटिंग का अभियान इन्होंने चलाया। तो तांबा लेने के लिए तो खेतड़ी अंचल को चुन लिया और सोना लेने के लिए अपने दक्षिण भारत को चुन लिया। आप में से कोई बता सकता है क्या कि भारत में जो सोना है वो कहां से प्राप्त होता है, भाई सोने की खान होती है तो भारत में किस जगह पर सोने की खान है, कोलार गोल्ड माइन कर्नाटक, केरल ना कर्नाटक में, कर्नाटका यानी कि कोलार गोल्ड माइंस यानी कि कर्नाटका में कोलार की खाने हैं, वहां पर सोना प्राप्त किया जाता है। अब सोना ऐसा नहीं है कि पूरा सोने का ही पहाड़ है, पूरी जो पर्वत है या जो माइंस है वो पूरा सोना है, नहीं, टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है तब जाकर कुछ ग्राम में सोना मिलता है, टनों टन मिट्टी, ऐसा नहीं टोटली अपन सोचेगे यार सोने की खान पूरा सोना ही सोना दिखता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टनों टन मिट्टी पत्थर हटाओगे तब जाकर कोई ग्राम के लगभग सोना प्राप्त होता है। कोलार की जो खाने हैं वो दक्षिणी भारत में है, कर्नाटका में। तो सोना लेने के लिए उन्होंने अभियान चलाया दक्षिण भारत में, और तांबा लेने के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया वो राजस्थान के खेतड़ी अंचल में चलाया था, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यानी कहने का मतलब अभियान चलाने का एक ही मकसद था इनका,
कि उन लोगों से संपर्क स्थापित करना, और जब संपर्क स्थापित होगा तो वस्तुओं का क्या होगा, लेन देन भी होगा। और वही चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि शिल्प उत्पादन के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे क्षेत्र चुन लिए जिनसे उन्होंने कोई ना कोई चीज प्राप्त कर ली और अपने यहां पर शिल्प उत्पादन किया। ठीक है, अब इन अभियानों से क्या हुआ, स्थानीय लोगों से संपर्क भी कर लिए इन्होंने, और इन इलाकों से जब खोज की गई कि जैसे आप खेतड़ी चले जाए, अब खेतड़ी से अभियान चलाने के बाद में तांबा ले लिया हमने, अब तांबा लेने के बदले में हमने कोई चीज दी भी तो होगी, तो हमने हड़प्पा वासियों ने उनको कोई चीज दे दी और वहां से तांबा ले लिया। और जब खुदाई की गई, जब खुदाई की गई तो वहां पर हड़प्पा कालीन जो कुछ चीजें थी वो मिली है, जिससे इस चीज का पता लग जाता है कि उन्होंने खेतड़ी से तांबा लिया और उसके बदले में वस्तु विनिमय किया, यानी वस्तु लेने के बदले में वस्तु देकर आ गए। और जब खुदाई की गई तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली है, जो इस चीज का प्रतीक है कि उन्होंने आपस में वस्तु विनिमय किया होगा या व्यापार किया होगा। तो कहने का मतलब यही है कि इन्होंने अपनी जो बस्तियां है शिल्प उत्पादन के लिए जगह जगह पर स्थापित कर ली, अपना एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में और दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि सोना प्राप्त करना है, तांबा प्राप्त करना है, और उन वहां के जो स्थानीय निवासी थे या लोग थे उनसे संपर्क स्थापित किया, और संपर्क स्थापित करने के बाद में वस्तुओं का आदान प्रदान भी हुआ, और वस्तुओं के आदान प्रदान के बाद में जब वहां पर खुदाई की गई तो हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं थी वो खेतड़ी में मिली, और खेतड़ी का जो तांबा था वो कहां मिला, हड़प्पा क्षेत्रों में मिला, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो खेतड़ी से क्या मंगाते थे, तांबा, और अपनी कुछ जो वस्तुएं थी वो कहां देते थे, खेतड़ी में देते थे। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो आपका खेतड़ी क्षेत्र है, इस खेतड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे पुरातत्वविद है उन्होंने इस सभ्यता को दिया नाम, एक दिया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। याद रखेंगे आप कि हमारे जो पुरातत्वविद है उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि मैंने आपको बता दी कि हड़प्पाई कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो यहां पर मिली है गणेश्वर जोधपुरा में, ठीक है, तो हड़प्पा कालीन कुछ वस्तुएं यहां पर जब मिली तो उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने इस संस्कृति का एक नाम क्या और रख दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन एक संस्कृति और थी जिसका क्या नाम था, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ये कहा जाता है कि आज से लगभग 2800 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2800 ईसा पूर्व इस संस्कृति का अस्तित्व था, और ईसा पूर्व, और अभी से बात करें तो अभी से लगभग 4800 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का अस्तित्व था। और इस सीधी सी संस्कृति का जो संबंध था वो किससे था, हड़प्पा की संस्कृति से था, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, एक प्रकार से हड़प्पा कालीन संस्कृति थी गणेश्वर। और आपको बता दूं, कोई बता सकता है बेटा गणेश्वर संस्कृति के बारे में कहां पर है, किस जगह है गणेश्वर? बेटा गणेश्वर कोई नहीं बता सकता? नो सर। बेटा कोशिश कीजिए, गणेश्वर संस्कृति जोधपुर, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। मैंने एक चीज बताई थी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ अंश जब अभियान चलाया गया तो यहां पर मिले हैं, तो
तो इसका मतलब ये है कि यहां से कोई चीज गई होगी और वहां से कोई चीज आई होगी, तब पता चला होगा। तो आप में से कोई भी एनीवन जो बता सकता है कि हाँ गणेश्वर कहाँ है? ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा, गणेश्वर आपके राजस्थान में ही है, गणेश्वर आपके राजस्थान में ही है, जिसका सीधा सा जो संबंध है। हाँ बेटा, डूंगरपुर। गणेश्वर जो संस्कृति है उसका सीधा सा जो संबंध है वो है आपके खेतड़ी से, खेतड़ी सभ्यता से रिलेटेड जो क्षेत्र थे उसी को ही गणेश्वर जोधपुरा के नाम से भी बोल सकते हैं, आप जान सकते हैं। गणेश्वर जो है वो आपके सीकर जिले में है, सीकर जिले की एक तहसील है नीम का थाना, याद रखेंगे सीकर जिले की एक तहसील है नीम का थाना, उस तहसील में स्थित ये गांव है गणेश्वर, जहां पर तांबे के कुछ औजार मिले हैं हजारों की संख्या में, मछली पकड़ने का कांटा मिला है और तांबे से जो बना हुआ है वो मिला है एक बाण, यानी तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। अब तांबे का बाण गणेश्वर मिल रहा है तो सीधा सा हो सकता है कि गणेश्वर सभ्यता में तांबे के बाण बनते होंगे या फिर खेतड़ी वाले क्षेत्र से यहां पर आ गए होंगे, लेकिन इसका सीधा सा जो संबंध है वो खेतड़ी के क्षेत्र से ही है गणेश्वर सभ्यता का। और गणेश्वर सभ्यता का जो उद्गम है मैंने आपको बता दिया कि गणेश्वर कहाँ है, नीम का थाना जो तहसील है उसमें गांव है गणेश्वर, जो कि सीकर जिले में है नीम का थाना, वहां पर इस सभ्यता या संस्कृति का पता चला है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक दर्शनीय स्थल भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, क्योंकि पुरातात्विक स्थल तो मैंने बता दिया कि हड़प्पाकालीन सभ्यता की संस्कृति से जुड़ी हुई है गणेश्वर संस्कृति, तो ये भी एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है या पुरातात्विक स्थल है, एक प्रकार से दर्शनीय स्थल है जहां पर लोग जाते हैं और यहाँ के इतिहास की जानकारी जुटाते हैं। तो गणेश्वर संस्कृति का भी नॉलेज आपको मैंने अभी बता दिया है। गणेश्वर संस्कृति का जो पता चला था वो चला था 1972 में, यानी कि गणेश्वर संस्कृति के बारे में जो पता चला वो चला कब, 1972 में, और लगभग 1977 और 78 में इस क्षेत्र की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। यानी कि 1972 में इसकी खोज हुई और 1977-78 में इस सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन यानी खुदाई की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हड़प्पाकालीन जो खुदाई कर रहे थे पुरातत्वविद, तो उन्होंने कुछ साक्ष्यों के आधार पर या पुरातत्वी जो साक्ष्य है पुरातत्वविदों के द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए, उन्होंने खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले हैं, खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों ने उसे क्या नाम दे दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, तो इसका सीधा सा संबंध किससे है, आपके खेतड़ी क्षेत्र से है, जहां पर तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है या होता था। और तांबे के प्रमाण, तांबे का बाण कहां मिला, क्वेश्चन कर लिया जाए कि तांबे का बाण हड़प्पाकालीन सभ्यता में तांबे का बाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप ये कहेंगे गणेश्वर संस्कृति से। ठीक है, और गणेश्वर कहां है आपके, सीकर राजस्थान में। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए मैंने एक चीज बताई कि जो साक्ष्य होते हैं हम खुदाई करते हैं, तो यहां पर जब खुदाई की गई गणेश्वर सभ्यता में, तो यहां पर जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन, वो अलग किस्म के हैं। किससे अलग है, हड़प्पाकालीन सभ्यता से। यानी कि गणेश्वर संस्कृति में या गणेश्वर सभ्यता में जो मृद भांड मिले हैं वो हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी उससे अलग है, उससे मिलते जुलते नहीं है। विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं और यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। यानी मृद भांड और
तांबे के उपकरण आपके यहाँ जो गणेश व संस्कृति है या जो खेतड़ी वाली जो संस्कृति है वहां से मिले हैं, ठीक है। तो इससे इस चीज का जब एक चीज मैं आपको बता दूं, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी या संस्कृति थी वहां से बहुत सी चीजें मिली हैं, और जब खुदाई की गई तो जो गणेश्वर संस्कृति है यहां पर भी मर्दभांड मिले हैं, लेकिन ये जो मर्दभांड है वो हड़प्पाई जो मर्दभांड है उनसे क्या थे, अलग थे। और जो तांबे की वस्तुएं थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिली थी, तो जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो हड़प्पा सभ्यता को जो थे तांबा भेजते थे, यानी कि तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में था। अब हड़प्पा की कुछ चीजें यहां मिल गई और यहाँ का जो तांबा है वो कहां मिल गया, हड़प्पा में मिल गया, जिससे हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि गणेश संस्कृति के जो लोग थे अपने यहां से तांबा कहां पर भेजते थे, हड़प्पा के लोगों को भेजते थे, ठीक है। हो गया बेटा? यस सर। ये कंप्लीट हो गया आपके टॉपिक उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि आसपास का क्षेत्र या उसके आसपास से थोड़ा दूर क्षेत्र से जो भी कच्चा माल आता था वो इसका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो चुका है। कौन कौन सी जगह से आ गया ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। सौरदुई से क्या कच्चा माल मिलता था हड़प्पा वासियों को, जो सिल्क उत्पादन करने के लिए काम आता था, सिल्क उत्पादन पढ़ रहे हम। फिर नागेश्वर बालाकोट आ गया, लोथल आ गया, आपके खेतड़ी वाला एरिया आ गया, और फिर इस खेतड़ी वाले एरिया में हमने एक संस्कृति का पता लगाया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। जो खेतड़ी में जो साक्ष्य मिले हैं उसके साक्ष्यों के आधार पुरातत्वविदों ने इसको क्या नाम दे दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दे दिया। दैट्स क्लियर? यस सर। यस सर। अगला पॉइंट आपके आता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब वहां से दूर यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, इस हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्षेत्रों से दूर किस प्रकार का इनका एक संपर्क था, व्यापारिक संपर्क था, जो सिल्क उत्पादन के लिए इनके लिए मददगार होता था, ठीक है। अब इसका एक सीधा सा है कि पुरातत्वविदों ने जो भी खोज की उससे इस चीज का पता लगता है कि इनका जो लेन देन था वो बाहर के देशों से भी था, इनका जो व्यापार या जो यातायात का जो एक था साधन वो बाहर के देशों से भी इनका संपर्क होता था। अरब प्रायद्वीप के कुछ ऐसी जगह थी जहां पर इनका संपर्क स्थापित होता था, किनका, हड़प्पा कालीन लोगों का। अरब जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिणी छोर, यानी अरब प्रायद्वीप का दक्षिण छोर, यहां पर एक जगह है ओमान, याद रखेंगे, अरब प्रायद्वीप का जो दक्षिण छोर है वहां पर एक जगह है ओमान। इस ओमान से भी ये कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे ओमान से क्या लाते थे, तांबा, खेतड़ी से तो लाते लाते थे, लेकिन ये कहा जाता है कि अरब प्रायद्वीप का एक दक्षिणी छोर पर एक देश है या जगह है ओमान, वहां से भी जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो क्या लाते थे, तांबा लाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो तांबा था इसके जो अंश है, यानी कि ओमान का जो तांबा था उसके जो अंश है वो हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में मिले हैं, हड़प्पा पुरा वस्तुओं की जब खुदाई की गई, खोज की गई, जब जांचा गया तो उसमें तांबा मिला है, तांबा के अंश मिले हैं, और वो तांबा कहां का था, ओमान का, जिससे पता लग जाता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे यहां से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। बेटा आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया था मैं, कल देखेंगे बचा हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर ले बेटा।
ठीक है बेटा? यस सर।